मुजफ्फरपुर के बंदरा में बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से उफान जारी है। पूर्वी इलाके में बाढ़ की तबाही लगातार मचती जा रही है। प्रखंड के मुन्नी बैंगरी एवं हाथा पंचायत के सभी गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। सैकड़ों नए घरों में बाढ़ का पानी लगातार प्रवेश करता जा रहा है। अब घरों का गिरना शुरू हो गया है। निचले इलाके टापू में बने हुए हैं। लोगों का पलायन जारी है। दर्जनों परिवार अपने घरों के छत या छप्पर पर रहना शुरू कर दिया है। सकरी भिरारी खड़गपुर पथ खड़गपुर सखौरा केवटसा सखौरा केवटसा बंदरा हाथा लोहरखा सखौरा तेपरी सकरी केवटसा केवटसा पटसारा पटसारा तेपरी तेपरी शिवनगर सखौरा आदि पथों पर 3 से 5 फीट बाढ़ के पानी बहने लगे हैं। हाथा ओपी में पानी है। पानी की रफ्तार से सकरी मन नदी में पानी की धारा भी उल्टी बहने लगी है। बाढ़ के पानी से मुन्नी बैंगरी पंचायत का सकरीमन कोठी भिरारी केवटसा गोसाई टोला खड़गपुर गोसाई टोला मुन्नी बैंगरी आदि गांव में बाढ़ का पानी लगातार फैल गया है। हाथा पंचायत के चांदपुरा खनुआ कल्याण नगर गगराहा लोहरखा त्रिमुहान आदि गांवों में कई गांवों के इलाकों में बाढ़ के तांडव लगातार स्थिति बिगाड़ती जा रही है। लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। बाढ़ का पानी तेपरी पटसारा बंदरा मतलुपुर करमैठा शिवनगर बैजनाथपुर सखौरा शंकरपुर मुन्नी बैंगरी शिवनगर महेशपुर बंसवारी मलंगा चंदौली बैजनाथपुर गोदामटोला सिपाली महसौना समेत कई गांवों में जलमग्न कर दिया है। प्रखंड का सकरीमन एवं चांदपुरा गांव टापू में तब्दील है। चारों तरफ से बाढ़ का सैलाब है और बीच में गांव है। आवागमन पूर्णतः बाधित हो गया है। सकरी में विस्थापित लोग पुल सड़क अस्पताल एवं स्कूल में शरण लिए हुए हैं। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि की वजह से ढाब में बसे सैकड़ों परिवार विस्थापित हो गए हैं। बांध या सड़क पर शरण ले रखे हैं। बरगांव सिमरा एवं पीरापुर रामपुर दयाल रतवारा तेपरी पंचायत के गांवों में हड़कंप की स्थिति है। पास के सड़कों पर तटबंध पर तंबू लगाकर लोग रहना शुरू किया हुआ है। बाढ़ की विभीषिका के बावजूद प्रखंड के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों की अनसुनी एवं अनदेखी से लोगों में नाराजगी भड़कती जा रही है। अब तक राहत एवं बचाव कार्य शुरू नहीं किए गए हैं। कहीं नाव नहीं दिए गए हैं। पन्नी भी उपलब्ध नहीं है। धूप बरसात में दिक्कत हो रही है। भूखे प्यासे परिवार के लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। विस्थापित कैंप स्थलों पर गंदगी बदबू से सरांध उत्पन्न होने लगी है। दवा की व्यवस्था नहीं है। संक्रमण एवं महामारी फैलने की आशंका अलग है। कई जगहों से सर्पदंश की खबरें भी मिलने लगी है। कई जगहों पर लोगों का आक्रोश भी सामने आने लगा है। बंदरा में अधिकारियों की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। कोई गतिविधियां नहीं दिख रही है, जिसके कारण से परेशानी और नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध में जगह जगह रेनकट एवं ब्रोकर बने रहने की होने से तथा जलस्तर में लगातार वृद्धि की वजह से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रखंड से होकर गुजरने वाली बागमती तथा बूढ़ी गंडक नदी की जलस्तर में दिन दुगुना रात चौगुना के हिसाब से वृद्धि हो रही है। मंगलवार की सुबह सुलुईस गेट से अचानक तेजी से रिसाव शुरू हो गया। रतबारा में यह मामला सामने आया। अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। ग्रामीणों का बताना है कि इस मामले की सूचना रतवारा के लोगों ने अधिकारियों को दी। बूढ़ी गंडक प्रोजेक्ट के अभियंताओं को भी लगातार कॉल किया जाता रहा। घंटों तक कोई अधिकारी एवं अभियंता की टीम नहीं पहुंची थी। दोपहर बाद अधिकारियों की टीम पहुंची तथा मरम्मती का कार्य किया गया। इससे पहले ग्रामीणों की तत्परता से स्लुइस गेट के रिसाव को कंट्रोल में किया जा सका। उधर बरगांव पंचायत के मुखिया का दावा है कि बंगाही में सोमवार की दोपहर बूढ़ी गंडक नदी का रिंग बांध करीब 150 फीट में टूट गया था। सैकड़ों लोगों में तबाही मच गई थी, जिसमें बरगांव पंचायत को काफी नुकसान हुआ। पंचायत के मुखिया शंभु शाह का दावा है कि बंदरा के बगाही में बूढ़ी गंडक नदी का रिंग बांध टूटने से 500 से ज्यादा लोग बांध एवं टीला आदि पर घिरे हुए हैं। 100 घर धारा में बह गया है। 350 से ज्यादा घर बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। बांध के दोनों तरफ मानव एवं माल मवेशी फंसे हुए हैं। मुखिया का बताना है कि घटना की सूचना के बावजूद अधिकारियों एवं विभागीय अभियंताओं की टीम मौके पर नहीं पहुंच रही है। बांध टूट की घटना से गांव कस्बों टोलों में कोहराम मचता जा रहा है। भगदड़ की स्थिति है। उधर खबर मिली है कि बंदरा प्रखंड के बरगांव में बूढ़ी गंडक नदी का रिंग बांध सोमवार को टूट गया था और इस बात को लेकर मंगलवार तक प्रखंड एवं विभाग के पदाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे थे। लिहाजा जर्जर मुख्य बांध की मरम्मती करने एवं अधिकारियों को बुलाने की मांग को लेकर बाढ़ प्रभावित बाढ़ पीड़ित एवं संबंधित इलाके के ग्रामीणों ने आज बरगांव चौराहे को लकड़ी के टुकड़ों सिल्ला बांस बल्ला आदि से घेर कर जाम कर दिया। अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ तीखी नारेबाजी शुरू कर दी।
करेला बांध में ब्रोकर भरने समेत कई समस्याओं पर कार्रवाई की मांग किया जा रहा था। तकरीबन 5 घंटे तक जाम रहने के बाद प्रशासन की नींद खुली। करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर प्रखंड मुख्यालय से सीओ और बीडीओ करीब 5 घंटे बाद यहां पहुंचे। दोनों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जेई के द्वारा बोरी में मिट्टी भरवा कर लाया गया तथा जर्जर बांध की मरम्मत शुरू कराई गई, जिसके बाद आखिरकार ग्रामीण शांत हुए और जाम को हटाया जा सका।